आप देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। दशहरे के दूसरे दिन दुर्गा पंडाल में उस वक्त बवाल हो गया जब एक युवक नशे की हालत में हंगामा करने लगा। इस बात को लेकर दो पक्षों से आधा सैकड़ा लोग एकत्रित हो गए और उनके बीच जमकर लाठी डंडे व तलवारें चली। इस दौरान बंदूकें भी लहराई। दोनों गुटों के बीच हुए इस खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया गया कि घटना के दौरान बीच बचाव करने पहुंची पुलिस को भी चोटें आई हैं। दरअसल ये घटना बुधवार की रात कोलगवा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र के बिरला रोड स्थित पंडाल में भंडारे का आयोजन किया गया था। इस दौरान मुन्ना यादव नामक युवक नशे की हालत में वहां पहुंचा और उत्पात मचाने लगा, जिस दौरान उसे पकड़कर थाने ले जाया गया। इधर मुन्ना को थाने ले जाने के बाद मुन्ना के पक्ष से लोग एकत्रित हो गए और फिर विवाद शुरू हो गया। बताया गया कि देखते ही देखते दोनों पक्ष से तकरीबन 40 से 50 की संख्या में लोग लाठी डंडा व तलवार लेकर आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर हमला बोल दिया, जहां देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत कराया, जिस दौरान कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों पक्ष से घायल हुए लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया है। वह तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। हमारे भाई साहब हम को मार रहे थे, सब कोई हम बचाव कर रहे थे तो हमको ही बहुत मारे और सभी जितने यादव हैं सब थे, पूरे यादव शामिल, पूरा यादव। कहाँ के हैं वो? कोलगमा के हैं सब। भैया आपका नाम क्या है? जीतू यादव। आपका विवाद क्या किससे हुआ है? हमारा विवाद किसी से नहीं हुआ था, हम मोहल्लेवासी, इनका विवाद हुआ था मुन्ना यादव से, मुन्ना यादव से विवाद हुआ था। इन्होंने आकर सब मतलब पांच भाई रहे, क्रांति सोनी, अज्जू सोनी, ब्रजेंद्र सोनी, कृष्णा सोनी, विष्णु सोनी, अब बड़े भाई क्या नाम है इसके, अरे सबसे बड़ा भाई गप्पू सोनी, शुभम सोनी, शुभम और धीरू सिंह, अज्जू सोनी आते ही फायरिंग किया है, बंदूक रही है उसकी, बंदूक जब्ती है थाने में, बंदूक है क्रांति से सोनी के नाम से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? कोलगमा। ये आप लोगों का विवाद ये किस बात को लेकर हुआ है? हमारा कोई विवाद नहीं था उनसे, वो कोलगमा का एक व्यक्ति दारू पी के माता जी पंडाल में लेडीजों से सफर करता था, जिसकी सूचना थाने में हम लोग दिए। टीआई साहब बोले हम कुछ नहीं कर रहे, आप लोग देख लीजिए आपस।